और दाना तूफान का असर बिहार झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में देखने को मिला और बिहार में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। अभी भी हल्की बूंदाबांदी बारिश की वजह से मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज भी सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे, कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। दाना तूफान कमजोर पड़ने लगा है पर इसका असर आज भी है। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कनकनाहट थोड़ी बढ़ गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवीश नारायण। दाना तूफान ने पूरे बिहार के मौसम का मिजाज बदल दिया है। पिछले दिनों जिस तरीके से दाना तूफान आया और उसके बाद से पूरे बिहार में इसका असर दिखा गया और लगभग बिहार के सभी जिलों में तेज आंधी आई, कई जिलों में बारिश भी हुई और उसके बाद बादल जो है हमेशा आज भी छाए हुए हैं। जिस तरीके से दाना तूफान आया उससे मौसम में काफ़ी तब्दीली आई है और आपको बता दूं कि लगभग 4.5 डिग्री अधिकतम जो सेल्सियस तापमान है वो सभी जिलों में, वो तापमान जो है वो उसमें गिरावट आई है। और हालांकि कल देर शाम ही जो ये तूफान था दाना, उसका लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई और लेकिन उसका जो असर है वो आज भी दिखाई पड़ रहा है। और राजधानी पटना की बात करें या लगभग बिहार के तमाम जिलों की बात करें, बादल जो है वो आज भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग की जो जानकारी है उसके मुताबिक आज भी जो है पूरे बिहार भर में बादल ऐसे ही छाए रहेंगे और लगभग 4 से 5 जिलों में जो है वो बारिश भी होने की संभावना जताई जा रही है। और इसका नतीजा ये है कि ठंड और सीलन जैसी स्थिति बन गई है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार जो है वो मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है और कई ऐसे ज़िले हैं उत्तर बिहार के और दक्षिण बिहार के, 3-4 जिले की बात बताई जा रही है कि जहाँ पे बारिश जो है वो हो सकती है और हल्की हल्की ठंड जो है वो भी बढ़ सकती है। तो इस तूफान का असर ये रहा है कि लगातार तापमान में गिरावट आया है लेकिन आज भी जो मौसम जो है वो सुहाना बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में बारिश भी हो सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना।